पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जदयू छोर राजद में आई बीमा भारती पर लालू यादव लगातार मेहरबान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले जब जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई थी बीमा भारती, तब लालू यादव ने उन्हें टिकट देने का काम किया था। पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरी थी, हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। फिर जब रुपौली विधानसभा उपचुनाव हुए तब भी वो चुनावी मैदान में उतरी। पप्पू यादव का भी उन्हें साथ मिला था, तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दो बार हारने के बाद भी लालू यादव अब भी बीमा भारती पर मेहरबान नजर आ रहे हैं और उन्हें बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बता दें, बीमा भारती को राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जी हां, तस्वीरें सामने आई है जिसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पत्र देते नजर आ रहे हैं बीमा भारती को। बीमा भारती को राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। लालू यादव के पास बीमा भारती लोकसभा चुनाव का टिकट लेने गई थी। तेजस्वी यादव से भी उन्होंने मुलाकात की थी और राजद ने उन्हें टिकट दे भी दिया था। पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरी थी, पप्पू यादव से टकराई थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद, इस हार के बाद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बीमा भारती को एक बार फिर से टिकट मिलेगा राजद से, लेकिन लालू यादव एक बार फिर बीमा भारती पर मेहरबान हुए और रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी उन्हें टिकट दे दिया गया। चुनावी मैदान में उन्हें पप्पू यादव का भी साथ मिला। पप्पू यादव भी लगातार बीमा भारती के लिए प्रचार करते नजर आए थे, वोट बटोरने की कोशिश करते नजर आए थे। जहां लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव बीमा भारती एक दूसरे के आमने सामने थे, दुश्मन बने बैठे थे, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में दोनों दोस्त बन गए थे और हाथ जोड़कर पप्पू यादव जनता से बीमा भारती के लिए समर्थन और वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कोशिशें नाकाम रही, बीमा भारती को फिर से हार का सामना करना पड़ा। दो बार हारने के बाद भी राजद बीमा भारती पर मेहरबान है। पहले बीमा भारती जदयू की नेता थी, रुपौली से विधायिका थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट लेने के लिए राजद का दामन थाम लिया था। टिकट तो मिला लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई थी। और दो बार टिकट मिलने के बाद, दो बार हारने के बाद भी राजद लगातार बीमा भारती पर मेहरबान है। एक और बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती लगातार दो बार से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं। इसी साल दो चुनाव में दो बार हार का सामना करना पड़ा है उन्हें, लेकिन अब भी बीमा भारती पर राजद लगातार मेहरबान है। ये तस्वीरें सामने आई जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गई। तस्वीर में जगदानंद सिंह और बीमा भारती नजर आ रहे हैं। जगदानंद सिंह बीमा भारती को पत्र देते नजर आ रहे हैं। जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष है और अब राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती हैं और जगदानंद सिंह के हाथों से पत्र लेती नजर आ रही हैं। ये कह सकते हैं कि लगातार हारने के बाद भी बीमा भारती पर राजद और लालू यादव लगातार मेहरबान नजर आ रही हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।